वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं गुरुमे देवा सर्वकारेषु सर्वदा। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। और आज का हमारा विषय है कि मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का जो ये परिवर्तन होने जा रहा है क्या कुछ करेगा। देखिए, सूर्य हमारे सौरमंडल के अधिपति हैं। समस्त जो हमारी ज्योतिष की गणनाएं हैं वो सूर्य से ही आधारित होती है। सूर्य जीवन का आधार है। सूर्य ना हो तो इस संसार में कुछ भी क्रम जिस प्रकार चल रहा है शायद ना चल पाए। सूर्य जीवनी शक्ति का संचार करते हैं। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, नित्यपति। अपना हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में सूर्य को नारायण की संज्ञा दी गई है। सूर्य नारायण नित्यपति अपने दायित्व को समझते हुए और इनको प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। आप चाहे ना चाहे वो दर्शन देने के लिए आपके समक्ष उपस्थित होंगे, उनके इसलिए उनको नारायण की संज्ञा दी गई है, भगवान की संज्ञा दी गई है। सूर्य नारायण साक्षात भगवान विष्णु स्वरूप माने जाते हैं और उनका परिवर्तन है। संसार ज्योतिष दृष्टिकोण से कहा गया है कि परिवर्तन तो संसार का नियम है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से इन सब चीज़ों को सिद्धांतिक तौर पर समझा गया है। ये परिवर्तन क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करते हैं, कैसे मनोमस्तिष्क में आपके विचारों का परिवर्तन, संसार में परिवर्तन। सूर्य के कारण ही तो ऋतुओं का परिवर्तन होता है, तो इसका प्रभाव हर चीज़ पर पड़ता है। अब सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है। 17 सितंबर को सूर्य जो है वो अपने घर से निकलकर, जी हाँ, अपने स्वयं सिंह राशि से निकलकर आपकी ही राशि पे आ रहे हैं। जो मिथुन राशि है वो बुध की राशि है, बुध की राशि मिथुन और कन्या मानी जाती हैं। वो कन्या राशि पर आप बुध के ही दूसरे घर कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और देखिए, बुध के साथ बहुत सुंदर संयोग भी बनता है। जितने भी शुभ योग हैं, बुध आदित्य योग एक तरह से राजयोग की कारक माना जाता है और उसके बुध के साथ संयोग बनता है। तो सूर्य चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, बुध के राशि वहाँ विद्यमान है। तो मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये समय? ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए कई क्षेत्रों में बहुत बढ़िया काम करने वाला रहेगा। ऐसे में ज्योतिष गणनाएं बहुत बढ़िया तरीके से दिखा रही हैं कि आपके लिए कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं कि जिनमें यदि आप काम कर लें तो वारे न्यारे आप उत्पन्न कर सकते हैं, बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बना सकते हैं। ऐसे में ग्रह गणना विशेष तौर पर बड़ा विचित्र प्रकार का योग बना रही है। इन दिनों ग्रह गणना को आप यदि देखें तो आपका जो सूर्य परिवर्तन करने का योग बनाएगा, सूर्य मंगल का कुछ दिन योग रहेगा, सूर्य बुध का योग बन जाएगा उसके बाद इसी चतुर्थ भाव में, उसके बाद शनि के साथ सूर्य का षडाष्टक योग बन जाएगा। षडाष्टक योग बन जाएगा और साथ साथ विशेष तौर पर कई प्रकार के भाव उत्पन्न कर सकते हैं। बृहस्पति के साथ भी, राहु के साथ भी षडाष्टक योग सूर्य का ऐसे में बनने को तैयार बैठा है। सूर्य का ये सब योग बनने वाले हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आपके मनोमस्तिष्क में, आपके जीवन में सूर्य का ये परिवर्तन क्या कुछ करने जा रहा है, ये सारी बातें आपको समझ लेनी चाहिए। जिस प्रकार का योग बन रहा है, ऐसे में जो लोग कार्य क्षेत्र में, आप समझें हम जो बताने जा रहे हैं वो नोट कर लीजिएगा, लोहे का या लकड़ी का काम करते हैं, आपकी राशि से संबंध रखते हैं, जो मिथुन राशि या मिथुन लग्न वाले व्यक्ति लोहे या लकड़ी का काम करते हैं, उनके जीवन में कुछ ना कुछ ये समय भारी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है आपको, जो शनि संबंधित कार्य है, विशेष तौर पर शनि या मंगल संबंधित जो कार्य कर रहे हैं, लकड़ी का काम कर रहे हैं, शनि का ही संबंधित लोहे का काम कर रहे हैं, ऐसे में मिथुन राशि वाले जो जातक हैं या लग्न वाले जो जातक हैं उनके लिए समय थोड़ा भारी हो सकता है, तो उनको सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत है। वहीं मिथुन राशि से संबंधित जो लोग हैं, जो विशेष तौर पर चांदी से, सोने से या कपड़े संबंधित व्यवसाय में है, उनके लिए बहुत उन्नति के योग बन सकते हैं। ये साफ साफ बहुत शुभ समय उनके लिए आ रहा है। ये गोचर का समय नोट कर लीजिए। इन सब चीज़ों को आप बहुत बढ़िया तरीके से, ये एक महीने का समय आपके लिए इन डायरेक्शंस में काम करने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आगे बढ़ने के बहुत सुंदर अवसर आपको बना सकता है। तो ऐसे में खासतौर पर नोट, जो लोग चंद्रमा से संबंधित कार्य करें, चांदी से संबंधित, स्वर्ण से संबंधित कार्य कर रहे हैं या कपड़ों से संबंधित कार्य में है, उनके लिए समय बहुत पॉजिटिव ग्राफ को आगे बढ़ाने वाला रहेगा। बहुत सुंदर तरीके से आप इस क्षेत्र में काम करके आगे बढ़ सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, सूर्य यहाँ चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, माता का भाव भी है चतुर्थ भाव, सामने पिता का भाव भी है,
तो उनका सम्मान पूरी तरह से करने का प्रयास कीजिए। किसी भी कारण से आपके ग्रह उनके लिए थोड़े भारी दिखाई देते हैं तो आप उनका सम्मान करें, उनका अत्यधिक ध्यान रखने का प्रयास करें, उनके साथ किसी भी कारण से मनोमस्तिष्क से विरोध ना उत्पन्न हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इस समय में ग्रह योग दिखा रहे हैं कि आपका रुझान थोड़ा प्राप्रकृति की तरफ थोड़ा ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है, और प्राप्रकृति उद्यान खेल मजा इत्यादि इन सब चीज़ों में आपका रुझान बढ़ सकता है। थोड़ा प्राप्रकृति के संबंध में, नेचर के संबंध में आपका शौक जागता दिखाई देगा आपको। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कटुता, विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि आपके जीवन साथी के साथ थोड़े से मतभेद न उत्पन्न हो, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। चतुर्थ भाव सुख का भाव भी माना जाता है, और जब सूर्य वहां आते हैं चतुर्थ भाव में तो सुख का थोड़ा अभाव कर सकते हैं। सूर्य क्रूर ग्रह माने जाते हैं, जहां जाते हैं वहां में थोड़ी कमी लाने के योग बना सकते हैं। तो चतुर्थ भाव जो है सुख का भाव है, जमीन जायदाद का भाव है, इन सब में कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न करने के योग, कोई चिंता आपको जबरदस्ती परेशान कर सकती है, तो उसके लिए आपको ठीक करने की जरूरत है, उसका उपाय करने की जरूरत है। तो ये सब ग्रहों का योगा योग जो है ये थोड़े से कष्ट देने के योग जिस तरफ दिखा रहा है, तो ध्यान रखिएगा अपने मनोवृत्ति को। सूर्य थोड़े कठोर ग्रह हैं, ये आपके मनोमस्तिष्क में थोड़ी कठोरता उत्पन्न कर सकते हैं, तो उसको थोड़ा सरलता के साथ आपको अपने आप को प्रेजेंट करने की योग है। नहीं तो क्या होगा कि आप जैसे क्या होता है कि कई बार हम तो बहुत सरल बन के जा रहे हैं, हमको लगता है बहुत सरल है, लेकिन सामने वाला कहता है कि आप थोड़े से एरोगेंट लग रहे हो, थोड़े से कठोर लग रहे हो, थोड़े से हार्ड हो, योर नेचर इज़ टू हार्ड, कई बार लोग बोल देते ना, वो क्या है, आपने तो अपनी सरलता पहचान दी, लेकिन आपका पर्सोना जो है, ये ग्रह आपका पर्सोना बना देते, पर्सनैलिटी को जिस प्रकार से वो अभिव्यक्ति कर देते हैं, जो मौन पर्सनैलिटी होती है वो आपके ओरा का प्रभाव है, वो सामने वाले पे पड़ जाता है। तो ऐसे में इन दिनों सूर्य के परिवर्तन के साथ साथ आपके मनोमस्तिष्क में, आपका ओरा में ऐसा होगा कि कठोर प्रवृत्ति प्रकृति की तरफ आपका ओरा रहेगा, तो उसको थोड़ा सरल बनाने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। ये आपको विशेष तौर पर समझने वाला है। धन लाभ के योग तो बिल्कुल बन रहे हैं, वो हमने आपको बताया कि किस किस क्षेत्र में आपके आगे बढ़ने के अवसर हैं, किस में ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ा बच्चों के संबंध में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, संतति के संबंध में भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके ग्रह इस वक्त थोड़े भारी दिखाई देते हैं, तो उनका उपाय आप थोड़ा करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। सूर्य का उपाय विशेष तौर पर करने का प्रयास करें। सूर्य का उपाय क्या किया जाए? सूर्य का उपाय करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है? सरलता। थोड़ा सरल भाव रखने का प्रयास करें, गरीबों की थोड़ा सेवा करने का प्रयास करें, गेहूं का दान कर दें। गेहूं का विशेष तौर पे जो गरीब लोग हैं, कहीं भी हैं, कभी दिखाई दे जाए तो हर थोड़ा थोड़ा दान कर दीजिए। रविवार के दिन गेहूं का दान किसी मंदिर में देवालय में भेज दीजिए। कहीं सदाव्रत भोजन चलता है, गरीबों का भोजन चलता है, तो वहाँ गेहूँ भिजवा दीजिए, आटा भिजवा दीजिए। ये सारी चीज़ें आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपके जो ग्रहजन प्रभाव हैं उसको दूर करने में लाभ देंगी। सूर्य को जल दीजिए, तांबे के लोटे में थोड़ा एक पीला पुष्प डालकर, थोड़ा जल डालकर, थोड़ी रोली डालकर, ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः या गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए विशेष तौर पर सूर्य को अर्पित करने का प्रयास कीजिए। ये कुछ उपाय हैं जिनको नित्य प्रति यदि आप करें तो बहुत सुंदर तरीके से ग्रहों के दुष्प्रभाव को आप दूर करने की सुंदर व्यवस्था बना सकते हैं। तो ग्रह का क्या प्रभाव है वो हमने ओवरऑल आपको समझाने का प्रयास किया। इसके बाद भी ग्रहों के साथ साथ आपके जीवन में और भी बहुत सारी बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रखती है। ये तो हमने एक ग्रह का गोचर का प्रभाव आपके समक्ष उपस्थित किया। आपकी राशि में ग्रहों का किस प्रकार से पदार्पण, कौन सी दशा चल रही है, उन सब चीज़ों को समझने के बाद हर राशि के हिसाब से क्या प्रभाव उत्पन्न होगा, कैसे होगा, वो एक बहुत बृहद विषय है। तो उसके संबंध में जब समय मिलेगा तब आपके साथ वार्तालाप करेंगे। खैर, कोई समस्या हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, अपने परेशानियों को, अपने विचारों को हमसे साथ जोड़ने के लिए हमारे नंबर्स पर आप संपर्क साध सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।